तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने अपनी पॉपी पहले टाइम गेम प्ले की वीडियो में आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोग उस वीडियो पर 5K लाइक कंप्लीट करा देते हो, यानी 5000 लाइक कंप्लीट करा देते हो, तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में पॉपी पहले टाइम गेम के ऊपर एक फुल स्टोरी भी लेकर आऊंगा। एंड फाइनली आप लोगों ने उस वीडियो पर 5K लाइक कंप्लीट करा दिए, जिसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, दिल से शुक्रिया मेरे दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वॉच करते रहिए हमारी वीडियो। एंड दैट मीन कि आप लोग चाहते हो कि मैं पॉपी प्ले टाइम गेम के ऊपर एक फुल स्टोरी लेकर आऊं, तो ऑब्वियसली गाइज मैं आप सभी लोगों की डिमांड पर लेकर आ चुका हूं पॉपी प्ले टाइम गेम के ऊपर एक फुल स्टोरी। देखो यार, पॉपी प्ले टाइम बेसिकली एक हॉरर गेम है जिसके अंदर प्ले टाइम नाम की एक फैक्ट्री होती है। एंड ये फैक्ट्री काफी ज्यादा स्कैरी होती है, देखने में अंदर से बहुत ज्यादा क्रीपी होती है। ये फैक्ट्री अंदर से पूरी तरह से सुनसान होती है, जो काफी सालों से बंद पड़ी भी है। इसके अंदर कोई नहीं जाता और ना ही इसके अंदर अब कोई काम करता है, क्योंकि ये बहुत सालों से बंद पड़ी भी है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। प्ले टाइम फैक्ट्री काफी साल पहले एक नॉर्मल टॉय फैक्ट्री थी, लेकिन बाद में इस फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा होता है कि इस फैक्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी इसके अंदर काम करने वाले थे, वो एक दिन अचानक से इस फैक्ट्री के अंदर से गायब हो जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा स्टाफ, सारे वर्कर्स, सारे लोग जो भी उस फैक्ट्री के अंदर थे, वो अचानक से गायब हो जाते हैं। उसके बाद किसी को भी नहीं पता होता कि वो सारे वर्कर्स, वो सारे लोग फैक्ट्री के कहाँ चले गए, उनको कौन ले गया, या फिर वो कहाँ पर जाकर गायब हो गए। लेकिन आज की इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस फैक्ट्री के वर्कर्स कहाँ पर चले गए, उस फैक्ट्री के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो आज पूरी तरह से सुनसान हो चुकी है एंड पूरी तरह से खाली हो चुकी है, और उस फैक्ट्री के अंदर आज कोई भी नहीं जाता। तो इस चीज का सीक्रेट आपको ये वाली स्टोरी में पता लगने वाला है। एंड इसी के साथ साथ उस फैक्ट्री के अंदर ब्लू कलर का एक मॉन्स्टर टॉय होता है, जिसका नाम होता है हगी बगी। हगी बगी बेसिकली एक टॉय होता है, बट फर्क इतना है कि ये एक जिंदा टॉय होता है जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसके लंबे लंबे दांत होते हैं, और जो भी उस फैक्ट्री के अंदर जाता है आज भी, तो ये हगी बगी मॉन्स्टर टॉय उस आदमी को पकड़कर खा जाता है, जिंदा ही उसको निकल जाता है। तो आज की इस स्टोरी में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि हगी बगी कौन है, उसको किसने बनाया, या फिर वो कहां से आया, और वो एक नॉर्मल टॉय से आज इतना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर खूंखार टॉय कैसे बन चुका है। इस चीज का सीक्रेट भी आपको ये वाली स्टोरी में पता लगने वाला है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं कि मैंने अपनी पिछली 2 या फिर 3 वीडियो से, दैट मीन मैंने अपनी पिछली 2 या 3 रिसेंट वीडियो में लाइक टारगेट को रखा, एंड होपफुली आप लोगों ने वो पूरा भी कर दिया। तो मैंने सोचा कि यार, जब आप लोग इतनी ज्यादा मेहरबानी कर रहे हो अपने भाई के ऊपर, तो मैं इस वीडियो में भी अपना एक लाइक टारगेट रख देता हूं। तो हमारी इस वीडियो का लाइक एम है 20,000 लाइक, दैट मीन 20K लाइक। एंड आई होप सो कि आप लोग इस वीडियो पर 20K लाइक पूरा करा दोगे, क्योंकि यार देखो, आप करा सकते हो, आपके पास एक ऐसी पावर है जिससे आप बड़े से बड़े लाइक गोल को पूरा करा सकते हो आराम से, और वो है एक लाइक का बटन। बस आपको जस्ट एक लाइक का बटन दबाना है। जितने भी आप सभी लोग वीडियो को देखते हो, तो लाइक कर दिया करो, एंड इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो ठीक है यार, चलो आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, बिना टाइम फड़े लेट्स गो। ओके, तो हमारी पॉपी प्ले टाइम गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटी सी फैमिली से। तो इस फैमिली में एक हस्बैंड था, उसकी एक वाइफ थी, और इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ का एक छोटा सा 4 साल का लड़का था, जिसका नाम था एलियट लुडविक। तो ये जो एलियट लुडविक था, यानी इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ का जो छोटा सा 4 साल का बच्चा था, तो इस बच्चे को खिलौनों से बहुत ही ज्यादा लगाव था, इसको टॉयज का बहुत ही ज्यादा शौक था। देखो यार, वैसे तो इस उम्र के सारे ही बच्चों को टॉयज पसंद होते हैं, लेकिन जो एलियट लुडविक था, उसको कुछ ज्यादा ही खिलौनों से प्यार था, कुछ ज्यादा ही टॉयज से लगाव था। आप इस बात को इस चीज से समझ सकते हो कि एलियट लुडविक ने कभी भी अपना रियल फ्रेंड नहीं बनाया, मतलब किसी भी इंसान के बच्चे को उसने आज तक अपना फ्रेंड नहीं बनाया। वो अपने खिलौनों में ही अपने फ्रेंड्स को बनाता था, देन उन्हीं के साथ खेलता था, उन्हीं के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, और वो उन्हीं के साथ रहता था, उनसे बातें करता था। तो आप इस चीज से पता लगा सकते हो कि एलियट लुडविक को टॉयज से कितना ज्यादा प्यार था। तो एक दिन की बात होती है, जिस शहर में एलियट लुडविक अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, तो उस शहर में एक फेस्टिवल इवेंट होता है, बेसिकली वो एक बहुत बड़ा मेला होता है। तो वो मेला एलियट लुडविक के शहर में लगता है, जो काफी ज्यादा बड़ा होता है। एंड एलियट लुडविक को खिलौनों से बहुत ही ज्यादा प्यार था, तो वो और ज्यादा खिलौने खरीदने के लिए, और ज्यादा टॉयज खरीदने के लिए उस फेस्टिवल इवेंट में जाना चाहता है। इसके बाद एलियट अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा जिद करता है उस फेस्टिवल इवेंट में जाने के लिए। काफी ज्यादा जिद करने के बाद जो एलियट के पेरेंट्स होते हैं, वो मान जाते हैं, और अब जो एलियट लुडविक होता है, वो अपनी फैमिली के साथ एक कार में बैठकर उस फेस्टिवल इवेंट के लिए निकल जाता है अपने घर से। तो अब क्या होता है, एलियट लुडविक अपने पेरेंट्स
फ्रेंड्स के साथ अपनी कार में ही होता है एंड ये बीच रास्ते में होते हैं। देन तभी क्या होता है कि इनकी कार के सामने से एक बहुत ज्यादा स्पीड से कार आती है एंड इनकी कार का उस कार से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उनकी कार का काफी ज्यादा तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट के चलते जो एलियट लुडविक के पेरेंट्स होते हैं, यानी जो वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनकी इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बिकॉज ऑफ एलियट्स के पेरेंट्स कार की फ्रंट सीट पर बैठे हुए होते हैं एंड जो एलियट लुडविक होता है वो कार की बैक सीट पर यानी पीछे बैठा हुआ होता है। सो दैट्स व्हाई जो एलियट लुडविक होता है वो बच जाता है, उसको बस थोड़ी बहुत चोटें आती हैं इस एक्सीडेंट में, लेकिन वो बच जाता है। बट जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है इस एक्सीडेंट के चलते। इसके बाद पुलिस थोड़े टाइम के बाद वहां पर पहुंच जाती है एंड एलियट लुडविक को हाथों हाथ एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में उसका काफी ज्यादा टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है एंड कुछ दिन के ट्रीटमेंट चलने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो देखो यार, जो एलियट लुडविक है वो एक 4 साल का छोटा सा बच्चा है और अब उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद एलियट लुडविक का ध्यान रखने वाला इस दुनिया में और कोई भी नहीं था एंड एलियट खुद भी इतना बड़ा नहीं था जिससे वो अपने आप को संभाल सके, अपना ध्यान रख सके या फिर वो अकेला रहकर ही खुद का ख्याल रख सके। सो दैट्स रीजन एलियट लुडविक को एक लॉज हाउस में छोड़ने का फैसला ले लिया जाता है, यानी एक अनाथालय आश्रम में छोड़ने का फैसला ले लिया जाता है, जिससे वहां पर एलियट का ठीक से ख्याल रखा जा सके, उसको ठीक से पढ़ाया लिखाया जा सके और उसकी ठीक से केयर की जा सके। एंड इसके बाद फाइनली एलियट लुडविक को एक लॉज हाउस में छोड़ दिया जाता है, एक अनाथालय आश्रम में छोड़ दिया जाता है और एलियट उस अनाथालय आश्रम में जाकर शिफ्ट हो जाता है। एंड एलियट अपने घर से उस अनाथालय में एक चीज लेकर आता है अपने साथ और वह होता है उसका टेडी टॉय, जो उसके डैड ने उनके मरने से कुछ टाइम पहले ही एलियट को गिफ्ट किया हुआ होता है। तो अब क्या होता है यार, जो एलियट लुडविक होता है वो काफी ज्यादा सैड रहने लगता है, उसको अपने पेरेंट्स की याद आती है बहुत ज्यादा एंड वो उस अनाथालय में किसी भी बच्चे से बात नहीं करता, वो पूरी तरह शांत रहता है क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की याद आती है, वो अपने पेरेंट्स की कमी महसूस करता है। और एलियट हमेशा उस टेडी के साथ रहता है जिस टेडी को उसके डैड ने गिफ्ट किया हुआ होता है उसको, क्योंकि वो टेडी टॉय उसके पेरेंट्स की एलियट को याद दिलाता था। तो इसलिए एलियट उस टेडी को हमेशा अपने पास रखता था, उसके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करता था और ये चीज टाइम के साथ और ज्यादा बढ़ती जाती है। एलियट अब पूरा टाइम उस टेडी के साथ ही रहता था, उससे बातें करता था, उससे अपनी फीलिंग्स भी शेयर करता था एंड अब एलियट उस टेडी के बारे में ऐसा सोचने लगता है कि काश वो टेडी उससे बात कर पाता, उससे बोल पाता, उसको अपने गले से लगा लेता और काश वो टेडी उसकी फीलिंग्स को समझ पाता, उसको हंसा पाता, जिससे वो उसका एक अच्छा दोस्त बन जाता और वो उस टेडी के साथ हमेशा हमेशा खुशी से रहता। तो यार एलियट लुडविक उस टेडी के बारे में हमेशा ऐसा ही सोचने लगता है, वो उससे काफी ज्यादा बोलने की कोशिश करता है बट यार जब वो टेडी था वो ऐसा नहीं कर सकता था, बिकॉज ऑफ वो एक टॉय था, एक खिलौना था और खिलौना कभी भी एक इंसान की तरह बोलता नहीं है या फिर वो किसी को गले नहीं लगाता या फिर वो किसी की फीलिंग्स भी नहीं समझ सकता क्योंकि वो एक टॉय है। लेकिन यार जो एलियट था वो उस टेडी से बहुत ज्यादा कोशिश करता था कि वो टेडी इंसानों की तरह उससे बात करने लगे। तो अब क्या होता है यार, ऐसे ही कुछ टाइम निकल जाता है और कुछ टाइम के बाद एलियट के लॉज हाउस का यानी जो उसका अनाथालय था, तो उस अनाथालय के बच्चों का एक टूर जाता है सिटी के एक बहुत बड़े मॉल में एंड उस टूर में उन बच्चों के साथ एलियट भी जाता है। देन फाइनली उन बच्चों का टूर उस मॉल में पहुंच जाता है जिसमें एलियट भी होता है। तो यार जिस मॉल में एलियट का टूर जाता है उस मॉल में एक बहुत बड़ी खिलौनों की दुकान होती है, एक टॉय की दुकान होती है और उस टॉय की दुकान में एक बहुत बड़ा टेडी टॉय रखा हुआ होता है। तो जैसे ही एलियट उस टेडी टॉय को देखता है उस खिलौने की शॉप में, तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो उस टेडी टॉय को लेना चाहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो एलियट है उसको खिलौनों का बहुत ही ज्यादा शौक है एंड वो खिलौनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उस मॉल की दुकान में वो टेडी टॉय उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। एलियट उस टेडी टॉय को लेना चाहता है बट यार वो टेडी टॉय काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, जिसकी वजह से उसके अनाथालय का जो स्टाफ होता है यानी उस लॉज हाउस का जो स्टाफ होता है, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो एलियट को वो टेडी टॉय दिला दे खरीद कर। तो इसलिए अब क्या होता है यार, एलियट को वो टेडी टॉय नहीं मिल पाता बट यार एलियट कैसे भी करके उस टेडी टॉय को लेना चाहता है एंड अब वो उस शॉप के बाहर खड़ा हो जाता है और वो उस टेडी टॉय को देखता ही रहता है। ऐसे ही 1 या 2 घंटे निकल जाते हैं बट वो उस टेडी टॉय को देखता ही रहता है एंड कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ उस टॉय की शॉप में आता है और वो उसी टेडी टॉय को खरीद लेता है जिसको एलियट खरीदना चाहता था और वो उसको इतने टाइम से उस शॉप के बाहर खड़ा होकर देख रहा था। बट कोई दूसरा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आकर उस टेडी टॉय को खरीद कर ले जाता है और जो एलियट होता है ये चीज देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, उसको अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद आती है एंड वो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद ही एलियट का टूर उस मॉल से वापस से लॉज हाउस में आ जाता है यानी अनाथालय में आ जाता है। टूर से वापस आने के बाद एलियट अपने रूम में जाकर बहुत ज्यादा रोता है, उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, उसको अपने पेरेंट्स की याद आती है क्योंकि यार उसको वो टेडी टॉय नहीं मिल पाया था। और अब यहीं से एलियट लुडविक ये सोच लेता है कि
कि वो बड़े होकर एक टॉय कंपनी खोलेगा, एक टॉय की फैक्ट्री खोलेगा जहां पर वो दुनिया के बेस्ट टॉय को बनाएगा, सबसे अच्छे टॉय खिलौनों को बनाएगा और वो अनाथालय में जाकर या फिर जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको वो टॉय फ्री में बांटेगा, जिससे किसी को भी ऐसा फील ना हो या फिर किसी भी अनाथ बच्चे को इस तरह का फील ना हो जिस तरह उसने आज फील किया था उस मॉल में। और वो नहीं चाहता था कि कोई भी अनाथ बच्चा उसकी तरह ऐसा फील करे, तो इसलिए एलियट लुडविक सोचता है कि वो बड़ा होकर एक टॉय की कंपनी खोलेगा एंड वो सारे ही फोस्टर चाइल्ड यानी अनाथ बच्चों को अपने खिलौने फ्री में ही बांटेगा। तो एलियट लुडविक के यह सोचने के बाद कुछ टाइम ऐसे ही निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा टाइम करके ऐसे ही काफी सारे साल निकल जाते हैं और फाइनली जो एलियट लुडविक होता है वो 20 ईयर्स का हो जाता है, यानी 20 साल का हो जाता है। और 20 साल के बाद अब एलियट लुडविक इतना बड़ा हो जाता है कि वो खुद से अपना ख्याल रख सकता है, खुद से ही सर्वाइव करके वो जी सकता है। सो दैट्स व्हाई जो एलियट लुडविक होता है उसको अब उसके लॉज हाउस से छुट्टी मिल जाती है एंड वो अपने अनाथालय से निकलकर अपने घर पर वापस आ जाता है, वो अपने घर पर शिफ्ट हो जाता है और वो अकेला ही अपने घर में रहने लगता है, उसी घर में जहां पर वो बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। एंड इसके बाद एलियट एक छोटी सी जॉब पर लग जाता है, बट उसको अब अपने बचपन का सपना पूरा करना था, जो उसने बचपन में देखा था, जो उसने बचपन में सोचा था कि वो बड़ा होकर टॉयज की एक कंपनी खोलेगा, एक फैक्ट्री खोलेगा और वो वहां पर टॉयज को बनाकर अनाथ बच्चों को बांटेगा फ्री में ही। और इसी के साथ साथ एलियट लुडविक को बचपन का अपना एक और सपना पूरा करना था। देखो यार, जब एलियट छोटा था तो वो हमेशा से यही चाहता था कि जो उसके पास वो टेडी टॉय था जो उसके डैडी ने उसको गिफ्ट किया था और वो हमेशा उस टेडी के साथ ही रहता था, तो एलियट लुडविक यह चाहता था कि वो टेडी टॉय उससे बात करे, वो टेडी उससे बोले, उसकी बात को समझे और उसकी फीलिंग को भी समझे। बेसिकली एलियट हमेशा से एक बोलने वाला टॉय चाहता था जो बात कर सके। एंड अभी एलियट लुडविक अपनी फैक्ट्री में ऐसे टॉय बनाना चाहता है जो किसी भी बच्चे की बात को सुने, उसकी फीलिंग को समझे और वो उससे बात कर सके, उसके साथ खेल सके। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो वो उसको हंसा सके और अगर कोई बच्चा सैड है तो वो उसको हग कर सके। दैट मीन वो टॉय एक इंसान की तरह बच्चों के साथ रहे। तो यार, इस तरह के टॉय अब बनाना चाहता है एलियट लुडविक अपनी फैक्ट्री में एंड फाइनली वो इन टॉयज को बनाने में लग जाता है। बट वो ये काम स्टार्ट करने से पहले एक टीम बनाना चाहता है जो इस काम में उसका साथ दे सके। एंड फाइनली एक एक करके एलियट लुडविक 5 बंदों को इकट्ठा करता है और वो उनको कन्विंस कर लेता है अपने साथ काम करने के लिए। और इस तरह से एलियट अपनी 6 बंदों की टीम बनाता है जिसमें एक वो खुद होता है और वो 5 बंदे होते हैं। तो अब एलियट अपनी एक छोटी सी टॉय फैक्ट्री खोलता है जिसका नाम वो रखता है प्ले टाइम और वो उस फैक्ट्री में अपनी टीम के साथ बोलने वाले खिलौने बनाने में लग जाता है। और काफी ज्यादा टाइम के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद एलियट एक रोबोटिक टॉय बना लेता है जो बातें करता है, जो बोल सकता है। बट ये रोबोटिक टॉय इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं था जितना एलियट लुडविक ने सोचा था, क्योंकि यार ये टॉय एक रोबोट था तो ये बस इतनी ही बात कर सकता था, इतना ही बोल सकता था जितना उसके प्रोग्राम में फीड किया गया हो या फिर जितना उसके प्रोग्राम में सेव किया गया हो, और इससे ज्यादा वो नहीं बोल सकता था, इससे ज्यादा वो कोई भी एक्स्ट्रा थिंग नहीं कर सकता था। और इसी के साथ साथ वो रोबोट किसी की फीलिंग को भी नहीं समझ सकता था एक इंसान की तरह, जिससे वो ये नहीं पता लगा सकता था कि कौन बच्चा दुखी है और उसको किस बच्चे को हंसाना है, किसको हक करना है। तो एलियट लुडविक का ये वाला प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है, ये वाला रोबोटिक टॉय पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि एलियट लुडविक एक ऐसा टॉय बनाना चाहता है जिसके अंदर इंसान जैसी फीलिंग हो, जो इंसान की तरह फील कर सके, सोच सके, जब बच्चों को हंसने की जरूरत हो तो उनको हंसा सके, जब बच्चों को खेलने की जरूरत हो तो उनके साथ खेल सके, बेसिकली वो उनको समझ सके और वो टॉय उन बच्चों के साथ बातें करके उनको खुश रखकर उन बच्चों का एक अच्छा दोस्त बन सके। और एक रोबोटिक टॉय कभी भी ऐसे काम नहीं कर सकता था जो एलियट लुडविक चाहता था। तो अब एलियट इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि वो इस तरह के टॉयज कैसे बना सकता है और वो इस चीज के बारे में सोचता रहता है एंड फाइनली एलियट लुडविक को एक ऐसा रास्ता मिलता है जिससे वो इस तरह के टॉयज बना सकता है एंड उस रास्ते का नाम होता है द स्प्रिट पावर। देखो यार, अगर आपने एनाबेल मूवी देखी होगी तो आपने उस मूवी में एक डॉल देखी होगी जिसका नाम एनाबेल होता है। बेसिकली वो भी एक टॉय डॉल थी पहले, बट उसके अंदर एक आत्मा घुस जाती है, एक स्प्रिट घुस जाती है, जिससे वो डॉल एक इंसान की तरह सोचने लगती है, एक इंसान की तरह चलने लगती है, फील करने लगती है, बातें करने लगती है। एंड ठीक इसी तरह एलियट लुडविक भी स्प्रिट पावर के थ्रू अपने टॉयज के साथ ऐसा करना चाहता था। मतलब अब एलियट सोचता है कि अगर वो अपने टॉयज में इंसानों की आत्मा डाल देगा या फिर सोल को डाल देगा या फिर स्प्रिट पावर को डाल देगा तो फिर उसके टॉय एक तरह से इंसान बन जाएंगे, उसके टॉय ऐसे बन सकते हैं जैसा वो अपने टॉय को बनाना चाहता है। और ये काम एलियट लुडविक सिर्फ एक ही चीज के थ्रू कर सकता था और वो है द ब्लैक मैजिक, या फिर आप उसको डार्क मैजिक भी बोल सकते हो, जिसके थ्रू वो अपने टॉयज में स्प्रिट पावर को डाल सकता था। एलियट लुडविक अपने बोलने वाले टॉय को बनाने के लिए इतना ज्यादा क्रेजी हो चुका था, वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। एंड फाइनली जो एलियट लुडविक होता है
है वो इस काम को करने के लिए डार्क मैजिक यानी ब्लैक मैजिक में ढूंढना स्टार्ट कर देता है कि वो किस तरह से अपने टॉयज में स्प्रिट पावर को डाल सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम के ढूंढने के बाद फाइनली एलियट लुडविक को डार्क मैजिक में एक ऐसी चीज मिलती है यानी एक ऐसा रिचुअल मिलता है जिस रिचुअल के थ्रू वो इंसान की आत्मा को यानी ह्यूमन सोल को किसी भी डेड फॉर्म में डालकर उसको जिंदा कर सकता है। डेड फॉर्म मतलब वो कोई कार हो सकती है, वो कोई मशीन हो सकती है, वो कोई खिलौना या टॉय हो सकता है। आप इस रिचुअल के थ्रू इंसान की आत्मा को किसी भी इंसान की आत्मा को किसी भी डेड फॉर्म में डालकर उसको जिंदा कर सकते हो और यही एलियट लुडविक चाहता था। वो अपने टॉयज को जिंदा करना चाहता था और ये डार्क मैजिक का रिचुअल अब एलियट को मिल चुका था। बट ये रिचुअल स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ रूल्स थे जो बहुत ज्यादा जरूरी थे इस रिचुअल के लिए, और वो रूल्स क्या थे चलो मैं आपको बता देता हूँ। रूल नंबर 1, प्रे डेविल फॉर 35 डेज टू स्टार्ट दिस रिचुअल। दैट मीन अगर एलियट को ये रिचुअल स्टार्ट करना है तो ये रिचुअल स्टार्ट करने के लिए उसको 35 दिन के लिए यानी 35 डेज के लिए डेविल प्रीस्ट बनना पड़ेगा। 35 दिन तक लगातार डेविल को प्रे करना पड़ेगा, देन उसके बाद ये रिचुअल स्टार्ट होगा। रूल नंबर 2, वंस यू स्टार्ट दिस रिचुअल देन यू कांट स्टॉप दिस। दैट मीन अगर एक बार एलियट इस रिचुअल को स्टार्ट कर लेता है लेकिन अगर वो खुद की मर्जी से इस रिचुअल को बाद में बंद भी करना चाहे, इसको रोकना भी चाहे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, वो खुद से इस रिचुअल को नहीं रोक सकता इफ ये रिचुअल एक बार स्टार्ट हो जाता है तो। रूल नंबर 3, पे फॉर इट अदरवाइज रेडी टू बैड थिंग्स विद यू। दैट मीन अगर एलियट इस रिचुअल के थ्रू अपने टॉयज को जिंदा करना चाहता है, अगर वो इस रिचुअल के थ्रू अपना काम करना चाहता है तो इसके लिए उसको पे भी करना पड़ेगा, मतलब उसको भी अपनी तरफ से कुछ देना होगा। और एलियट को इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो यार, एलियट को साल में 3 बार मतलब 3 times 35 डेज के लिए डेविल को प्रे करना पड़ेगा, उसको साल में 3 बार डेविल का प्रीस्ट बनना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर वो एक साल में एक भी बार मिस कर देता है डेविल को प्रे करना, तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, इस चीज की उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है इस रूल के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 4, नीड्स ह्यूमन फॉर स्प्रिट पावर ट्रांसफर टू डेड थिंग्स। इसका मतलब अगर एलियट को अपने टॉयज को जिंदा करना है इस रिचुअल के थ्रू, तो उसको अपना एक टॉय जिंदा करने के लिए एक ह्यूमन चाहिए होगा, जिस ह्यूमन की सोल को मतलब उस बंदे की आत्मा को वो इस रिचुअल के थ्रू अपने टॉय में डालकर उसको जिंदा कर सकता है। तो ये रिचुअल करने के लिए उसको ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी। रूल नंबर 5, डू नॉट परफॉर्म दिस रिचुअल बिफोर 8 PM। इसका मतलब ये रिचुअल 8 बजे से पहले बिल्कुल भी नहीं करना एलियट को। लेकिन अगर एलियट रात के 8 बजे से पहले ही इस रिचुअल के थ्रू किसी इंसान की बॉडी से उसकी स्प्रिट पावर को यानी आत्मा को अपने टॉय में ट्रांसफर कर रहा है तो ये रिचुअल काम ही नहीं करेगा, और जो वो ह्यूमन है जिसके ऊपर ये रिचुअल हो रहा है तो वो ह्यूमन मर सकता है या फिर इससे भी ज्यादा उसके साथ और कुछ भी हो सकता है, और एलियट का टॉय भी जिंदा नहीं होगा बेसिकली अगर वो 8 बजे से पहले इस रिचुअल को करता है तो ये रिचुअल काम नहीं करेगा इस रूल के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 6, इफ यू ब्रेक एनी रूल्स वंस यू विल रिग्रेट इट। दैट मीन मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए हैं तो इनमें से अगर एक भी रूल एलियट तोड़ देता है तो उसको इस चीज के लिए बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ सकती है, उसको इस चीज के लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है या फिर उसको पछताना पड़ सकता है इस चीज के लिए इस रूल के अकॉर्डिंग। तो यार ये थे इस रिचुअल के कुछ रूल्स जो कि एलियट को फॉलो करने थे इस रिचुअल को करने के लिए। तो इसके बाद एलियट लुडविक इस रिचुअल को स्टार्ट करने के लिए पहले रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट 35 डेज के लिए वो डेविल प्रीस्ट बन जाता है और 35 दिन तक लगातार वो डेविल को प्रे करता है, और वो फाइनली पूरे के पूरे 35 दिन डेविल को प्रे करता हुआ निकाल देता है। डेविल को प्रे करने के बाद अब एलियट अपने रिचुअल को स्टार्ट कर सकता है, बट इस रिचुअल को स्टार्ट करने के लिए उसको एक ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी जिसकी आत्मा को यानी जिसकी सोल को वो अपने टॉय में डालकर उसको जिंदा करेगा। तो अब क्या होता है, जो एलियट की 5 बंदों की टीम होती है तो उसकी टीम में से एक बंदा इस रिचुअल को अपने ऊपर कराने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो बंदा इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करता, वो ब्लैक मैजिक और इस रिचुअल को नहीं मानता और वो इस चीज को मजाक समझता है। देन ही वॉज रेडी फॉर दिस रिचुअल। तो अब एलियट को एक ह्यूमन भी मिल चुका है, अब उसको बस रिचुअल करना बाकी रह जाता है। और एलियट इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है इस रिचुअल को ट्राई करने के लिए कि वो रात के 8 बजे से पहले ही यानी दिन में ही वो इस रिचुअल को करना स्टार्ट कर देता है। तो इस रिचुअल को करने के लिए एलियट एक साइड उस बंदे को बिठाता है यानी उस टीम के बंदे को बिठाता है जो इस रिचुअल के लिए रेडी हो गया था, और वो दूसरी साइड अपने बचपन का वो वाला टेडी टॉय रखता है जिस टेडी टॉय को उसके डैड ने उसको गिफ्ट किया था। देन एलियट इस रिचुअल को करना स्टार्ट कर देता है, बट एलियट ने अपनी एक्साइटमेंट में रूल नंबर 5 को तोड़ दिया था, उसको ब्रेक कर दिया था, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर वो रात के 8 बजे से पहले इस रिचुअल को ट्राई करता है तो वो जिस भी ह्यूमन पे इस रिचुअल को कर रहा होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी या फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। एंड फाइनली
एक्चुअली होता भी ऐसा ही है। एलियट अपने जिस टीम के बंदे पर वो रिचुअल ट्राई कर रहा था तो उसकी हाथों हाथ तभी इंस्टेंटली डेथ हो जाती है, वो मर जाता है और उसका टेडी टॉय भी जिंदा नहीं होता। बेसिकली ये रिचुअल पूरी तरह से फेल हो जाता है और ये चीज़ देखकर जो दूसरे टीम मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन जो एलियट होता है उसको पता होता है कि इस चीज़ में उसकी ही गलती है क्योंकि उसने एक रूल को ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। एंड अब एलियट समझ जाता है कि ये रिचुअल एकदम रियल है और उसको सारे ही रूल्स को मानना पड़ेगा, उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, एलियट इस रिचुअल को रूल के अकॉर्डिंग रात के 8 बजे के बाद ट्राई करना चाहता है एंड वो फिर से काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। बट इस रिचुअल को दोबारा करने के लिए उसको एक और ह्यूमन की जरूरत होती है और अब की बार उसकी टीम मेंबर्स में से कोई भी नहीं मानता क्योंकि उन्होंने पिछली बार अपने एक टीम मेंबर को मरते हुए देख लिया था। तो वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे एंड दैट्स व्हाई उसकी टीम मेंबर्स में से इस रिचुअल के लिए कोई भी नहीं मानता। बट जो एलियट था इस रिचुअल को करने के लिए कुछ भी कर सकता था, वो किसी भी हद तक जा सकता था, वो अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुका था जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब क्या होता है, एलियट अपने 4 टीम मेंबर्स के साथ बाहर जाता है और वो कैसे ना कैसे करके एक बंदे को सुनसान जगह से किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद वो वापस अपनी फैक्ट्री में आता है उस बंदे को लेकर और अब तक रात के 8 भी बज जाते हैं, दैट मीन एलियट इस रिचुअल को स्टार्ट कर सकता है। तो अब दोबारा से एलियट एक तरफ उस बंदे को बिठाता है जो वो किडनैप करके लाया हुआ होता है एंड दूसरी तरफ वो अपने टेडी टॉय को रखता है एंड वो दोबारा से रिचुअल करना स्टार्ट कर देता है। रिचुअल के स्टार्ट करने के कुछ टाइम के बाद ही जो वो बंदा होता है जिस पर वो रिचुअल हो रहा होता है तो वो डेड हो जाता है एंड जो उसकी सोल होती है, जो उसकी स्प्रिट पावर होती है, वो सक्सेसफुली उस टेडी टॉय में चली जाती है। और जैसे ही वो स्प्रिट पावर उस रिचुअल के थ्रू उस टेडी में जाती है तो वो टेडी एकदम से खड़ा हो जाता है, वो बोलने लगता है, लाइक जो उसका बिहेवियर होता है वो एक इंसान की तरह हो जाता है, वो सोचने लगता है और वो तभी एलियट से बात करने लगता है। एंड इसका साफ साफ मतलब यह था कि जो एलियट था वो सक्सेसफुल हो चुका था, उसने एक ऐसा टॉय बना लिया था जो इंसानों की तरह सोच सकता था, वो चल सकता था, बातें कर सकता था। ये चीज देखकर एलियट काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा हार्ड वर्क के बाद, बहुत ज्यादा टाइम के बाद एक रिचुअल के थ्रू एक जिंदा टॉय बना लिया था जैसा वो बनाना चाहता था। तो बस अब एलियट लुडविक को अपने टॉय मैन्युफैक्चर करने थे, देन उसके बाद इस रिचुअल के थ्रू वो अपने टॉय को जिंदा कर सकता था। एंड अब एलियट लुडविक ऐसा ही करता है, वो अपने 4 टीम मेंबर्स के साथ मिलकर अपनी ही फैक्ट्री में टॉय डॉल के काफी सारे मॉडल्स मैन्युफैक्चर करता है, देन वो काफी सारे इंसानों को सुनसान जगह से उठाता है, उनको किडनैप करता है चुपके चुपके और उनको अपनी फैक्ट्री में लाकर उसी रिचुअल के थ्रू उन सारी डॉल्स में उन सारे ह्यूमंस की आत्मा को यानी स्प्रिट पावर को डाल देता है और ऐसे ही वो उस टॉय डॉल के बहुत सारे मॉडल्स को जिंदा कर लेता है एंड वो उस डॉल के मॉडल का नाम रखता है पॉपी, दुनिया की फर्स्ट डॉल जो बोल सकती है, इंसानों की तरह सोच सकती है, बातें कर सकती है, चल सकती है। तो अब एलियट लुडविक ने ये डॉल तो बना ली थी जिसका नाम था पॉपी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक थी, लेकिन अब इस डॉल को उसे लोगों तक पहुंचाना था, दुनिया के सामने लेके आना था, दुनिया के सारे बच्चों तक पहुंचाना था। दैट्स रीजन एलियट अपनी पॉपी डॉल की एडवर्टाइज करता है, मतलब वो एक एड की वीडियो बनाता है जिसमें वो लोगों को बता रहा है कि उसने दुनिया की फर्स्ट ऐसी टॉय डॉल बनाई है जो बात करती है, जो इंसानों की तरह बोलती है, इंसानों की तरह सोचती है, चलती है और उस डॉल का नाम है द पॉपी। लोगों को ट्रस्ट कराने के लिए वो एक्चुअली में अपनी एड वाली वीडियो में पॉपी को बोलता हुआ दिखाता है, बात करता हुआ दिखाता है जिससे लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट हो एंड फाइनली वो उस एड की वीडियो को लॉन्च कर देता है क्योंकि एलियट लुडविक चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी इस डॉल को देखे जिसका नाम है पॉपी और ज्यादा से ज्यादा जितने भी दुनिया में बच्चे हैं वो उसके इस टॉय को यूज करें। देन आपने भी इस एडवर्टाइज की वीडियो पॉपी प्ले टाइम गेम में शुरू में देखी होगी, जब गेम स्टार्ट होता है तो आपको ये वाली वीडियो दिखाई जाती है जिसमें एलियट लुडविक अपनी फर्स्ट टॉय डॉल पॉपी के बारे में आप लोगों को बताता है। इस डॉल की एड करने के बाद पॉपी डॉल इतनी ज्यादा बिकती है, इतनी ज्यादा सेल होती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस डॉल को ही खरीदना चाहते हैं जिसका नाम होता है पॉपी क्योंकि ये बच्चों से बात करती थी। एंड ये डॉल इतनी ज्यादा सेल होती है कि एलियट अपने उन 4 टीम मेंबर के साथ मिलकर भी इन डॉल्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा था, इनको नहीं बना पा रहा था क्योंकि इस डॉल की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो अब एलियट लुडविक अपनी फैक्ट्री में और भी काफी सारे वर्कर्स को बुलाता है, वहां पर काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाता है जिससे वो लोग उसके टॉयज को मैन्युफैक्चर कर सके। एलियट की फैक्ट्री में काफी सारे वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए, बट जो एलियट होता है वो अपना डार्क सीक्रेट, जो उसके रिचुअल का सीक्रेट होता है, वो उन वर्कर्स को नहीं बताता।
था कि वो किस तरह से अपने जिंदा टॉयज को बनाता है। उन वर्कर्स का काम सिर्फ इतना था कि उन्हें उस फैक्ट्री में जाकर टॉय के मॉडल को मैन्युफैक्चर करना था, और उन सारे ही वर्कर्स को फैक्ट्री के सिर्फ उस एरिया में रखा जाता था, उस पार्ट में रखा जाता था जहां पर सिर्फ टॉय को मैन्युफैक्चर किया जाता था, उनके मॉडल को मैन्युफैक्चर किया जाता था। और इसके अलावा उन लोगों को किसी भी पार्ट में जाने की अनुमति नहीं थी, मतलब फैक्ट्री के किसी दूसरे एरिया में जाने की एंट्री नहीं थी। तो अब क्या होता है यार, ये सारे ही वर्कर्स उस फैक्ट्री में टॉय के मॉडल को मैन्युफैक्चर करते हैं। देन रात 8 बजे से पहले पहले इन सारे ही वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। और रात 8 बजे के बाद एलियट अपने 4 टीम मेंबर के साथ मिलकर, वही टीम मेंबर्स जिनको उसने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले अपने साथ लिया था, तो अब एलियट लुडविक अपने उन टीम मेंबर्स के साथ मिलकर फैक्ट्री के एक सीक्रेट रूम में जाकर जितने भी टॉयज को उस फैक्ट्री में एक दिन में मैन्युफैक्चर किया जाता था, तो वो उन सारे ही टॉयज पर वही वाले रिचुअल के थ्रू उनको जिंदा कर देता था, उनको इंसान जैसा बना देता था। एंड बाद में भी ऐसा ही चलता है। एलियट की फैक्ट्री में दिन के टाइम वो सारे ही वर्कर्स टॉय को मैन्युफैक्चर करते हैं, देन रात के 8 बजे से पहले पहले उन सारे ही वर्कर्स को निकाल दिया जाता है। और रात के 8 बजे के बाद एलियट अपने टीम मेंबर्स के साथ फैक्ट्री के एक सीक्रेट रूम में जाकर उस रिचुअल के थ्रू उन सारे ही टॉयज को जिंदा कर देता है। और ये चीज आप पॉपी प्ले टाइम गेम में भी देख सकते हो। उस गेम के अंदर उस फैक्ट्री में एक बैनर लगा हुआ होता है, एक नोटिस लगा हुआ होता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि रात के 8 बजे के बाद इस फैक्ट्री में आना या फिर इस फैक्ट्री के अंदर रहना बिल्कुल भी मना है। यहाँ तक कि जो उस फैक्ट्री के वर्कर्स थे जो वहाँ पर काम करते थे, जो उसके एम्प्लॉय थे, तो उनको भी रात के 8 बजे के बाद उस फैक्ट्री में रुकना नॉट अलाउ था। एंड उस फैक्ट्री में रात के 8 बजे रुकना इसलिए नॉट अलाउ होता है क्योंकि जो एलियट होता है वो रात के 8 बजे के बाद उस फैक्ट्री में अपने उस रिचुअल के थ्रू ही उन सारे टॉयज को जिंदा करता है, अपने सारे टॉयज को इंसान जैसा बनाता है। एंड एलियट नहीं चाहता कि उसका ये वाला डार्क सीक्रेट उसके टीम मेंबर्स के अलावा, यानी जो उसके 4 टीम मेंबर्स थे, उनके अलावा और किसी को पता लगे। सो दैट्स व्हाई उस फैक्ट्री में रात के 8 बजे के बाद रुकना नॉट अलाउ था। और इस चीज का प्रूफ आप गेम में भी देख सकते हो। जब आप गेम में एक सीक्रेट जगह पर जाते हो फैक्ट्री की, तो वहां पर आपको एक टैप मिलता है, देन आप उस टैप को वहां पर एक डीवीडी ड्राइवर रखा हुआ होता है उसमें लगाओगे, उसके बाद आपको वहां पर एक बहुत ज्यादा पुरानी वीडियो देखने के लिए मिलती है। ये वीडियो तब की होती है जब उस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, टॉयज बनाए जाते थे, जब सब कुछ एकदम नॉर्मल था। तो उस वीडियो में उसी फैक्ट्री के 2 वर्कर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि उनको खुद नहीं पता कि उस फैक्ट्री में जिंदा टॉय कैसे बनाए जाते हैं। एलियट लुडविक अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर क्या करता है उनको खुद नहीं पता, यहाँ तक कि उस फैक्ट्री के किसी भी स्टाफ या किसी भी वर्कर्स को इस बारे में नहीं पता। तो ये चीज आप गेम में देख सकते हो। तो इसके बाद एलियट लुडविक उस फैक्ट्री में एक और टॉय का मॉडल बनाता है और वो उस टॉय को भी अपने रिचुअल के थ्रू जिंदा कर देता है, और उस टॉय का नाम होता है हगी बगी। हगी बगी एक ऐसा टॉय था जो बच्चों की फीलिंग्स को समझता था। अगर कोई बच्चा सैड है तो हगी बगी उस बच्चे को गले लगा लेता था, और जिस भी बच्चे के पास ये टॉय होता था यानी हगी बगी होता था, तो वो बच्चा हमेशा हगी बगी के साथ खुश रहता था। हगी बगी उस बच्चे को हमेशा खुश रखता था, उसके साथ खेलता था। बाद में एलियट का हगी बगी टॉय भी काफी ज्यादा पॉपुलर होता है, बहुत सारे बच्चे इस टॉय के पीछे क्रेजी होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको खरीदते हैं और ये टॉय बहुत ज्यादा सेल आउट होता है। देन बाद में एलियट लुडविक अपनी फैक्ट्री में और भी काफी सारे जिंदा टॉय बनाता है, फॉर एग्जाम्पल कैंडी कैट, बूगी बोर्ड और ऐसे ही और भी काफी सारे खिलौने बनाता है। इसके बाद एलियट लुडविक की प्ले टाइम फैक्ट्री पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाती है। दुनिया के सारे ही बच्चे प्ले टाइम फैक्ट्री से ही खिलौनों को खरीदना चाहते हैं क्योंकि प्ले टाइम फैक्ट्री के खिलौने दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक और बोलने वाले खिलौने होते हैं। बच्चे प्ले टाइम फैक्ट्री के टॉयज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन किसी को भी उन टॉयज के पीछे का डार्क सीक्रेट नहीं पता होता कि एलियट लुडविक उन खिलौनों को बनाने के लिए कितने सारे इंसानों को मारता है, कितने सारे इंसानों की आत्मा उन खिलौनों में डालकर उनको जिंदा करता है। किसी को भी एलियट लुडविक का डार्क सीक्रेट नहीं पता होता। तो अब एलियट लुडविक के टॉयज का इतना ज्यादा क्रेज होता है, उसके टॉयज की इतनी ज्यादा डिमांड होती है कि एलियट लुडविक अपने वर्कर्स के साथ मिलकर भी उन सारे खिलौनों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था, उनको नहीं बना पा रहा था, उनका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतने सारे खिलौने उसके बिकने लगे थे। इस प्रॉब्लम के चलते एलियट लुडविक एक आइडिया सोचता है और वह आइडिया यह होता है कि क्यों ना एलियट एक बहुत बड़ी टॉय मेकर मशीन बनाए जो खिलौने बनाती हो, टॉयज बनाती हो, एंड वो उस टॉय मेकर मशीन में अपने रिचुअल के थ्रू इंसान की आत्मा को डाल दे, यानी स्पिरिट पावर को डाल दे, जिससे वो मशीन खुद से काम करने लगेगी, खुद से टॉयज बनाने लगेगी और उससे एलियट लुडविक का बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो ज्यादा से ज्यादा खिलौनों को मैन्युफैक्चर कर सकता है। देन इसके बाद फाइनली एलियट लुडविक 1960 में एक ऐसी मशीन बना लेता है, मतलब वो अपने उस रिचुअल के थ्रू एक ऐसी मशीन बनाता है जो खुद से खिलौनों को बना सकती थी, उनको असेंबल कर सकती थी, उनको पेंट भी खुद से ही कर सकती थी, मतलब वो पूरे टॉय को खुद से ही बना सकती थी। और एलियट उस मशीन का नाम रखता है मैके फ्रेंड, और उस मशीन को एलियट अपनी फैक्ट्री के एक बहुत बड़े सीक्रेट हॉल में ले जाकर रख देता है जिससे किसी को भी उस
मशीन के बारे में ना पता लगे। ये मशीन आप गेम में भी देख सकते हो, जब आप गेम में एक बहुत बड़े हॉल में जाते हो जो कि एक सीक्रेट हॉल होता है, तो वहां पर तीन अलग अलग मशीन होती है। बेसिकली वो एक ही मशीन होती है और उस मशीन का नाम मैक फ्रेंड होता है। एंड उस मशीन के आगे एक नोटिस भी होता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि 1960 में ये मशीन फाउंडर एलियट लुडविक ने बनाई थी। जो मशीन खुद से ही खुद को कंट्रोल कर सकती है और खुद ही टॉयज बना सकती है, वो इसलिए क्योंकि एलियट लुडविक ने इस मशीन को बनाने के बाद उस मशीन के अंदर अपने रिचुअल के थ्रू कुछ इंसानों की आत्मा को या फिर कुछ इंसानों की स्पिरिट पावर को उस मशीन के अंदर डाल दिया था, जिससे वो मशीनें जिंदा हो जाती हैं, एक इंसान की तरह सोचने लगती हैं। और अब जो आप गेम में वो मशीन देखते हो जिसका नाम होता है मैक फ्रेंड, तो उस मशीन के अंदर इंसानों की आत्मा है, स्पिरिट पावर है, जिससे वो खुद से ही चलती है, खुद से ही टॉय को बनाती है। तो अब क्या होता है, ये मशीन बनाने के बाद एलियट लुडविक का जो टॉय प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये मशीन उसके टॉय बनाने में काफी ज्यादा उसकी हेल्प करती है। एंड इसके बाद एलियट लुडविक अपने काफी सारे खिलौनों को बहुत ज्यादा कम टाइम में बना पा रहा था और उनको सेल आउट कर पा रहा था। बट उसकी फैक्ट्री के यानी प्ले टाइम फैक्ट्री के जो सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉय थे वो टॉप टू टॉय थे, जिनमें से एक टॉय थी पॉपी द डॉल और दूसरा टॉय था हगी बगी। ये दोनों टॉय पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री के सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉय थे। देन इसके बाद एलियट बचपन का अपना एक और सपना पूरा करता है। वो अनाथालय में जाकर या फिर अनाथ बच्चों को अपने फैक्ट्री के खिलौने फ्री में बांटता था, उनको फ्री में देता था। और इसी के साथ साथ एलियट अपनी फैक्ट्री में फोस्टरिंग हैप्पीनेस करके एक स्कीम को लाता है, एक ऑफर लाता है। और उस ऑफर में यह था कि जितने भी वर्कर्स उसकी कंपनी में काम करते थे, उसकी फैक्ट्री में काम करते थे, तो अगर उनमें से कोई भी वर्कर अनाथ बच्चों को एडॉप्ट कर लेता है, अनाथ बच्चों को पालने लगता है, तो उस वर्कर की सैलरी डबल कर दी जाएगी और इसी के साथ साथ उसको और भी काफी सारे एडवांटेज दिए जाएंगे। एलियट अनाथ बच्चों के लिए यह सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो भी एक अनाथ बच्चा था और वह अनाथ बच्चों की फीलिंग्स को समझता था। ये करने के बाद एलियट सारे लोगों की नजरों में हीरो बन जाता है, जो अनाथ बच्चों की हेल्प करता है, उनको अपने खिलौने फ्री में देता है और लोग एलियट को बहुत ज्यादा अच्छा आदमी मानने लगते हैं। बट रियल में एलियट लुडविक एक काफी ज्यादा खतरनाक, एक बहुत ज्यादा बुरा इंसान था, जो लोगों को मारता था अपने फायदे के लिए, अपने खिलौने बनाने के लिए। अब एलियट बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, उसको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है कि वो इस चक्कर में डेविल को प्रे करना ही भूल जाता है। पूरा एक साल निकल जाता है लेकिन वो एक भी बार डेविल को प्रे नहीं करता और इस तरह एलियट रूल नंबर 3 को तोड़ देता है, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अगर तुम्हें इस रिचुअल को चलाना है, अगर तुम इस रिचुअल से कुछ ले रहे हो, तो तुम्हें इसके लिए कुछ पे भी करना पड़ेगा, अपनी तरफ से भी कुछ देना होगा। और एलियट ने ऑलरेडी इस रिचुअल से बहुत कुछ ले लिया था, उसने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, इतना ज्यादा फेमस और इतने सारे टॉयज को बनाया था इस रिचुअल के थ्रू, लेकिन ये सारी चीजों के लिए उसको डेविल को प्रे करना था साल में 3 बार 35 डेज के लिए। बट एलियट ऐसा नहीं करता, वो एक साल में एक भी बार डेविल को प्रे नहीं करता, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देता, जिसकी वजह से एलियट रूल नंबर 3 को ब्रेक कर देता है। और इस रूल में लिखा हुआ था कि अगर तुम इस रूल को ब्रेक कर देते हो तो उसके बाद तुम्हें इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जा सकती है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। एंड एग्जैक्टली ये वाला रूल ब्रेक करने के बाद एलियट का बुरा टाइम यहीं से ही स्टार्ट हो गया था, उसके साथ अब बहुत कुछ बुरा होने वाला था। क्योंकि एलियट ने एक रूल ब्रेक कर दिया था तो डेविल उसको इस चीज की सजा देने के लिए एलियट के जो टॉप 2 टॉयज थे, जो प्ले टाइम फैक्ट्री के सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉयज थे, पॉपी द डॉल एंड हगी बगी, तो डेविल क्या करता है, वो उन्हीं 2 फेमस टॉय में अपनी डेविल पावर्स को डाल देता है, यानी ब्लैक पावर्स को डाल देता है, जिससे वो दोनों ही एक मॉन्स्टर टॉय में कन्वर्ट हो जाते हैं उस फैक्ट्री के अंदर। देन उसके बाद पॉपी द डॉल एंड हगी बगी, जो कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है, वो वहां पर काफी ज्यादा तबाही मचाता है, वो प्ले टाइम फैक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। एंड ये दोनों ही टॉयज उस फैक्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं, जो उस टाइम वहां पर काम कर रहे होते हैं, तो फैक्ट्री के सारे ही वर्कर्स को, सारे ही एम्प्लॉयज को ये दोनों ही टॉय, यानी हगी बगी और पॉपी, जो अभी डेविल के कंट्रोल में थे और उनके अंदर डार्क पावर आ चुकी थी, तो ये क्या करते हैं, ये उन सारे ही वर्कर्स को पकड़ कर फैक्ट्री के अंदर एक पोर्टल बनाते हैं डेविल डायमेंशन में जाने का। और ये दोनों ही टॉयज फैक्ट्री के पूरे स्टाफ को, सारे के सारे वर्कर्स को उस पोर्टल के थ्रू डेविल डायमेंशन में ले जाते हैं डेविल के पास। डेविल डायमेंशन में जाने के बाद डेविल ने उन सारे वर्कर्स के साथ, उन सारे लोगों के साथ क्या किया, ये एक सीक्रेट है, ये किसी को भी नहीं पता। और इस तरह से प्ले टाइम कंपनी पूरी तरह से खाली हो जाती है, उसके सारे वर्कर्स रातों रात गायब हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ मॉन्स्टर टॉय उन सारे वर्कर्स को फैक्ट्री के अंदर से ही डेविल डायमेंशन में एक पोर्टल के थ्रू लेकर जा चुके थे, जिससे वो फैक्ट्री पूरी तरह से खाली हो जाती है। और इन सारी चीजों की वजह था एलियट, क्योंकि एलियट ने एक रूल को ब्रेक कर दिया था जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, और उसकी वजह से जो उसकी प्ले टाइम कंपनी थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, पूरी तरह से बंद हो जाती है। और इसके बाद किसी को भी नहीं पता होता कि प्ले टाइम कंपनी के सारे वर्कर्स कहां पर गायब हो गए, ये एक सीक्रेट बनकर रह जाता है और उस फैक्ट्री को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है।
फैक्ट्री के बंद होने के 10 साल के बाद एक रैंडम बंदे के पास प्ले टाइम कंपनी से एक लेटर आता है और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि आज जो लोग ये मानते हैं कि प्ले टाइम कंपनी के सारे वर्कर्स गायब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, हम आज भी उसी फैक्ट्री में हैं। और ये लेटर जिस बंदे के पास आता है तो वो बंदा बेसिकली एलियट की टीम का ही एक बंदा था। दैट मीन एलियट की जो वो चार बंदों की टीम थी, तो उनमें से एक बंदे के पास ये लेटर आता है 10 साल के बाद। देखो 10 साल पहले जब प्ले टाइम कंपनी में उन मॉन्स्टर टॉय का अटैक हुआ था, जब सारे लोग वहां से गायब हो गए थे, तो उस दिन एलियट की टीम का ये बंदा उस फैक्ट्री में नहीं होता, ये प्ले टाइम फैक्ट्री में नहीं होता, क्योंकि ये काम से कहीं बाहर गया हुआ होता है 2-3 दिन के लिए। एंड जब इस बंदे को पता लगता है कि प्ले टाइम कंपनी के सारे वर्कर्स गायब हो चुके हैं और वो कंपनी पूरी तरह से बैन हो चुकी है, तो ये दोबारा से उस फैक्ट्री में नहीं जाता एंड ये और कहीं जाकर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन डेविल को इस बंदे को भी मारना था, इसको भी पनिशमेंट देनी थी, क्योंकि ये भी उस रिचुअल में शामिल था एलियट के साथ। तो अब क्या होता है, डेविल इस बंदे को 10 साल के बाद एक लेटर भेजता है प्ले टाइम कंपनी से, और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि तुम उस फैक्ट्री में जाओ और जाकर अपने सारे साथियों को ढूंढो, अपने सारे वर्कर्स को ढूंढो, वो अभी भी उसी फैक्ट्री के अंदर है। और ये जो बंदा होता है फाइनली प्ले टाइम कंपनी में चला जाता है ये जानने के लिए कि उस दिन वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। और ये जो बंदा है जो अभी उस फैक्ट्री के अंदर गया है, तो ये बंदा हमारे ही गेम का मेन कैरेक्टर है जिसके थ्रू हम गेम को खेलते हैं। तो अब क्या होता है, ये बंदा उस फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद काफी ज्यादा छानबीन करता है, वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उस फैक्ट्री में एग्जैक्टली सारे बंदे कहां गायब हो गए। एंड उसके बाद उस फैक्ट्री में उसको अपना एक टॉय दिखता है, यानी हगी बगी, बट वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होता, वो एक मॉन्स्टर टॉय में बदल चुका है। एंड वो मॉन्स्टर टॉय इस बंदे के पीछे भी पड़ता है, बट ये कैसे ना कैसे करके उस मॉन्स्टर टॉय से बच जाता है। और ये बंदा समझ जाता है कि उस रिचुअल के साथ इस फैक्ट्री में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। एंड दैट्स फाइन, यहीं पर हमारे पॉपी प्ले टाइम गेम की स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो ये थी हमारी पॉपी प्ले टाइम गेम की फुल स्टोरी। एंड आई होप सो कि आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जो पॉपी प्ले टाइम में वो फैक्ट्री है, तो उसके वर्कर्स कहां पर गायब हो गए और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज पूरी तरह से बंद हो चुकी है, और पॉपी द प्ले डॉल कौन है, उसको किसने बनाया, और इन सारे ही टॉयज को बोलने वाला किसने बनाया, इनके पीछे का क्या सीक्रेट था, ये सारी चीजों का सीक्रेट आपको ये वाली वीडियो में पता लग चुका होगा, ये वाली स्टोरी में पता लग चुका होगा। तो अगर आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है, आप लोग जानते ही हो, 20,000 लाइक। एंड आई होप सो कि आप लोग इस लाइक टारगेट को पूरा करा दोगे। एंड इसी के साथ साथ मुझे कमेंट करके नीचे बताना कि आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भी बताना, बुरी लगी हो तो रहने देना, मत बताना। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो यार, सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।